हे गाइस एंड वेलकम टू फिल्लर फॉर्म, और आपका स्वागत है फिल्लर फॉर्म पे, और मेरा नाम है जितेंद्र गोस्वामी। सो आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले कि इस बार यूजीसी नेट जून एग्जाम का लोका कट ऑफ कितना जाएगा। अभी हाल ही में चैलेंज आंसर की आ गई है, काफ़ी लोगों ने अपने स्कोर देख लिया, और जिन्होंने स्कोर नहीं देखा है वो यूजीसी की वेबसाइट पर जाके स्कोर चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आपका पेपर है जो आप लोग ऑनलाइन एग्जाम देखा है, दूसरी साइड एनटीए की आंसर की। तो अभी तक आप लोगों ने आंसर की मैच कर ली होगी। इसको करना कैसे मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जिसे मान के चलिए पेपर वन में आपके 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, पेपर सेकंड में आपके 75 सही हो रहे हैं, इन दोनों को मैच करोगे तो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। मतलब 90 क्वेश्चन सही है तो इसको 2 से इंटू कर दीजिए तो 180 नंबर आ रहा है। अब देखते हैं 180 पे आपका क्या आता है, वो इस वीडियो में देखने वाला है। जिन विद्यार्थियों को नहीं पता, फिल्लर फॉर्म पे नेट जा रहे और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करवाई जाती है। पेपर वन के साथ हमारे पास सेकंड पेपर के 14 सब्जेक्ट है जो पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेंगे यूजीसी नेट एग्जाम के। तो आप लोग फिल्लर फॉर्म ऐप डाउनलोड करके या चैनल को सब्सक्राइब करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर लास्ट ईयर दिसंबर 2024 का एक कट ऑफ है लो सब्जेक्ट की। ये कट ऑफ है गाइस नेट का, और ये कट ऑफ है जारे का। जिन विद्यार्थियों को नहीं पता, मैं बताना चाहूंगा कि इस बार 3 कट ऑफ आपका जाने वाला है। पहला कट ऑफ जाएगा जारे का, दूसरा कट ऑफ जाएगा नेट का, और तीसरा कट ऑफ जाएगा आपके पीएचडी। क्योंकि इंडिया में अगर आप अब कहीं भी पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो तो भैया नेट का स्कोर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा। इस बार 9 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, जिसका मेजर रीजन था पीएचडी के एडमिशन को लेकर। क्योंकि जिन बच्चों ने नेट एग्जाम दे लिया, दोबारा नेट एग्जाम दे रहे पीएचडी को लेके, तो वो भी स्कोर मान्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, अगर आप लोग जनरल में आते हो तो इस बार आपको 170 से लेकर 180 नंबर के बीच में अगर आपका स्कोर आता है तो आप नेट एग्जाम के लिए बिल्कुल पार्टी वार्टी करना स्टार्ट कर दो। वहीं अगर आपका 195 से लेकर 205 के बीच में स्कोर आ रहा था, आप जारे क्वालिफाई कर सकते हो। पीएचडी में आपका 160 प्लस नंबर आना चाहिए तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में 152-165 और जारे में 185-195 अगर आपका नंबर आता है तो आप जारे क्वालिफाई कर सकते हो ओबीसी में। और पीएचडी के लिए 150 प्लस नंबर आना जरूरी है आप लोगों का, ठीक है। क्योंकि अब आपके नंबर आ गए तो आपको ये मेजर करने में और भी आसानी होगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे और आपका क्या क्वालिफाई हो रहा है। वहीं अगर मैं एससी की बात करूं तो एससी में गाइस 142-150 अगर आपके आते हो तो आप नेट क्वालिफाई कर सकते हो। वहीं जारे में 172 लेके 180 में आपका जारे क्वालिफाई हो जाएगा। वहीं एससी में गाइस 145 प्लस में आपका पीएचडी क्वालिफाई माना जाएगा। अब बात करते हैं एसटी की। तो एसटी में अगर आपके 130 से लेके 145 नंबर आ रहे तो आपका नेट क्वालिफाई हो सकता है। वहीं अगर आपके 165-175 आ रहे तो आपका जारे क्वालिफाई हो सकता है एसटी के अंदर। पीएचडी के लिए 135 प्लस नंबर आना आपके लिए कंपलसरी। अब लो सब्जेक्ट थोड़ा ऐसा सब्जेक्ट होता है जहां पर कट ऑफ थोड़ा ऐसे चलता है, कभी हाई कभी लो। तो गाइस आपका स्कोर तो आप मेजर कीजिए। अब काफी लोगों के चेहरे पे स्माइल आ गई होगी कि चलो यार मेरा तो हो जाएगा, बट काफी लोग डीमोटिवेट हो गए कि यार नहीं हो पाए। सो गाइस आपको डीमोटिवेशन नहीं होना है, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। क्योंकि अभी ऑफिशियल रिजल्ट अभी आना बाकी है। अब आप लोग बोलोगे सर वो तो है ही, तो उस दिन आपको पता लग जाएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। वहीं दिसंबर एग्जाम भी आ रहा 4 महीने बाद, तो आपको ज़्यादा डीमोटिवेशन नहीं होना है कि यार होगा नहीं होगा, तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि फेलियर इज द पार्ट ऑफ द सक्सेस। और गाइस हमारा लो का नया बैच प्रारंभ हो गया है, जहाँ पर अगर आप सिंगल पेपर ज्वाइन करते हो तो मात्र मिलेगा 2500 का, दोनों पेपर मात्र 4000 के। पूरी 6 मंथ का है, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस होगी, एमसीक्यू हो गए, पीवाईक्यू हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। तो पूरा एक कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस फिल्लर फॉर्म ऐप डाउनलोड करना है, जो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। फिर भी कोई डाउट क्वेरी होता है तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।